Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाठी इश्क आतिश तुम सोच सकती हो शफ़क, ज़ैन दूसरी शादी कर रहा है। I just can't believe it। तहरीन, रोना बंद करो मेरी जान। कैसे नहीं रो, उसने मुझे इतना हर्ट किया है और अब वो दूसरी शादी कर रहा है कितनी आसानी से। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। नहीं, मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता, तुम भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज़ैन की वजह से मैं माँ बनने से महरूम हो गई। उसने मेरे साथ ये सब सुलूक किया और अब उसे बच्चा चाहिए, हवेली के लिए वारिस। वो इतना सेल्फिश था, मैं जानती थी, लेकिन इतना ज्यादा इनसेंसिटिव मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम जानती हो ज़ैन अली किससे शादी कर रहे हैं? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं। मेरी बला से वो जहन्नुम में जाए, आई डोंट केयर। ज़ैन अली की शादी मुझसे हो रही है। तुम ज़ैन से शादी कर रही हो? How could you do this? तेरीन, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और हौसले की तो दाद देनी चाहिए। तुमने मुझे इसलिए फोन किया ताकि तुम मुझे ये बता सको बगैर सोचे कि मैं कैसा फील करूंगी। नहीं नहीं तहरीन, मैं तो सिर्फ इसलिए। ओह प्लीज जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैंने तुम्हें तुम्हें पहचानने में कितनी देर लगा दी। हवेली वाले सब ऐसे ही होते, बिल्कुल सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचते। मेरा तुम्हें बहन कहते दोस्त कहते मुंह नहीं थकता था, और तुमने क्या किया मेरे साथ शफक? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, I just can't believe it। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें अगर यही सब कुछ करना था तो कुर्बानी देने का इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया तुमने? क्यों किया मुझे कन्विंस उसे शादी करने के लिए? I just can't believe this। और ये झूठ मूठ के रोने बंद करो। तुम्हें हमेशा से ज़ैन ही चाहिए था ना? तो मिल गया तुम्हें ज़ैन। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। इश्क जलावे, इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। यानी कि हद ही हो गई, ये सब कुछ वहां हो रहा था और हमें इल्म ही नहीं। अब किस बात का रिग्रेट है तुम्हें? कितना समझाया मैंने तुम्हें तहरीन कि मेरी बात गौर से सुनो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी कोई बात सुनने के रवादार ही नहीं। मुझे क्या पता था कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे? क्या मैं तुम्हें समझाती नहीं थी कि इन पे इतना एतबार ना किया करो, इतना भरोसा ना किया करो? लेकिन नहीं, तुम तो इनके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं। अरे तुम्हारे सामने वो लड़की तुम्हारे शौहर को ले उड़ी और तुम कुछ ना कर सकी? मैं क्या जानती थी कि जिन लोगों पे मैंने इतना ट्रस्ट किया है वो ही मुझे धोखा देंगे। बस कर दो, खुदा के वास्ते तहरीन, ये भरोसे करना बंद कर दो। अम्मा, हो सकता है कि शफक लास्ट मिनट पे इनकार कर दे। खुदाया मेरे, तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी।
वो लड़की मर तो सकती है लेकिन कभी इनकार नहीं करेगी। और नूरजहां बेगम, उनको तो इतने अरसे बाद पहला मौका हाथ में आया, वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगी। 9 लाख तुम्हारे पास है और ये शादी 9 लाख के बगैर नहीं हो सकती। मैं नूरजहां के अरमान का भी पूरे नहीं होने दूंगी। रो अब बैठ के। रोहित प्लीज काम डाउन, इतना स्ट्रेस मत ले। ऐसे कैसे ना लूं स्ट्रेस? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जिंदगी के साथ ये सब करने की? अगर उसे उस लड़की के साथ शादी करनी थी तो फिर तहरीम के पीछे पड़ने का नाटक क्यों किया? रोहित मैं मानती हूँ कि जैन अली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी वक्त है कि हम सुकून से बैठ के बात करें। गुस्से से तो और बात बिगड़ जाएगी ना। जितनी बात बिगड़नी थी बिगड़ चुकी है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। और ये जैन से तो मैं खुद बात करूंगा। तहरीम कोई लावारिस है क्या? सबसे बड़ी गलती तो हमने की है, अपना बच्चा देकर। आपके कहने पे मैंने सिर्फ तहरीम की भलाई का सोचा। और बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं कहना चाह रही हूँ कि इन हालात में उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। कुरतुलान, बच्चे का फ्यूचर देखने वाले हम हैं। इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि हम तहरीम के फ्यूचर पे ध्यान दें। अकबर अली, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी जी नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा, ये बताओ मुमताज से बात हुई 9 लाख के बारे में? जी हुई थी, साफ साफ इनकार कर दिया उन्होंने 9 लाख देने से। तो फिर अब चैलेंज किया कि शादी करके दिखाओ 9 लाख के बगैर। ये कहा उसने? देख लिया अपनी बहन का लालच, जब मैंने कहा था तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी। आप ठीक कह रही हैं, पता नहीं आपकी बात मानने में इतनी मैं देर क्यों कर देता हूं। खैर, तुम इस बारे में इतना मत सोचो, हम 9 लाख के बगैर ही शादी कर लेंगे। इंशाल्लाह एक बार शादी हो जाएगी और शफक इस घर को वारिस देगी तो 9 लाख खुद ही वापस आ जाएगा। मैं तो आपा की डिटाई पे हैरान हूं, अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा उन्हें 9 लाख की पड़ी है। बस रहने दो ना, सब्र करो, जब तहरीम खुला मांगेगी तो 9 लाख उन्हें वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन जैन अली इतनी आसानी से रजामंद नहीं होगा तलाक के लिए। जब तलाक का दावा तहरीम करेगी तो जैन अली के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा उसको अपनी बीवी बना के रखने का। खैर, हमें क्या पड़ी कि हम तलाक का नाम लें? हम तलाक का जिक्र नहीं करेंगे, तुम देखते जाना ये खुद मांगेंगे तलाक और 9 लाख वापस आएगा खुद ब खुद। ठीक कह रही हैं आप। आइए बाबा, बैठिए। तो बेटा तुमने क्या सोचा? जब आपने फैसला कर ही लिया तो मेरी हायना क्या मायने रखती है? देखो बेटा, हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे अपने भले के लिए कर रहे हैं, और फिर तुमने अपने फुप्पो के कारनामे तो देख ही लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि 9 लाख पे काबिज बनी बैठी नहीं है, बजाय इसके अपनी बेटी की शादी बचाएं, उन्हें 9 लाख की पड़ी है। सॉरी बाबा, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं भी कसूरवार हूं। पप्पू ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। तो ठीक है, फिर मैं उन्हें जहां मिलकर तुम्हारे निकाह की तारीख डिसाइड कर लेते हैं। आपका जो बेहतर लगता है आप करें, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं बाबा। मैं ये निकाह इसी शर्त पर कर रहा हूं कि मुझसे तहरीम को कोई छोड़ने या तलाक देने की बात नहीं करेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा बाबा। ठीक है बेटा, अगर वो यहां रहना चाहती तो हमें कोई इतराज नहीं। थैंक यू बाबा।
भाई बड़ी ही तेज लड़की है ये तहरीम, आखिर को मुमताज की बेटी है ना, कैसे आराम से खानदानी हार ले उड़ी। नौलखा उसको दिया था, जहां मर्जी रखे उसका है। ऐसे कैसे जहां मर्जी रख सकती थी वो, उसे दिया था मालिकन बन बैठी। आप लोगों ने भी तो कम बुरा नहीं किया उसके साथ, हर बात में उसे अंधेरे में रखा। उसे लगा उसे पता होगा कि मेरी शादी हो रही है जैन अली के साथ, लेकिन वो तो ये भी नहीं जानती। तुम उसे अपनी दोस्त मत समझो, आस्तीन का सांप है वो। तुम्हारे होने वाले शोहर पर ऐसे डोरे डाले, इस पे जादू चल गया और शादी करके दम लिया उसने। मम्मी मैं बस शफा, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, मैं तो हैरान हूं तुम पर। तुमने कितने अच्छे तरीके से दिल बड़ा करके उसे शादी की इजाजत दी थी, अब उसकी बारी है कि वो दिल बड़ा करे। जहां तक सवाल है जैन अली की शादी का, तो वो तो दूसरी शादी अकबर अली को उसकी करनी ही थी, उन्हें वारिस चाहिए था, तो हमने भला किया उनको रिश्ता देके तुम्हारा। ये सब हो चुका है मेरे साथ अम्मी, इसलिए मैं जानती हूँ कि कितनी तकलीफ होती है। शफक बस कर दो, इतनी रहम दिली की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी शादी उसके बारे में सोचो, उस पागल लड़की के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अरे हम तो उसको अभी भी अपने साथ रखने को तैयार हैं, और तुम हो के पता नहीं क्या समझ रही। ये देख लिया था अच्छी तरह? जी। बेबी जी फोन आया आपका। हाँ मुमताज, आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी नूरजा। देखो मैंने तुम्हें बहुत समझाया था मुमताज कि अपनी किस्मत पर नाज मत करो, कभी भी पलटा खा सकती है। भाई जब तुम्हें मौका मिला तुमने अपना आप दिखा दिया, तो फिर मैं कैसे पीछे रहती। तुम्हें ये सब कुछ करके आखिर हासिल क्या होगा, नौलखा तो तुम्हें मिलने से रहा। अरे नौलखी का लालच तुमसे ज्यादा किसको होगा, मुझे जैन अली से ज्यादा प्यारा नहीं है नौलखा। अब फिर तुम्हारी बेटी चली गई तो किसी को तो संभालना था। तहरीम को हवेली से निकलने पे तुम लोगों ने मजबूर किया है। मैं फिर कह रही हूँ नूरजहां, इस शादी का ना होना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। अच्छा तो जो कुछ हमारे साथ पहले हुआ क्या वो बेहतर था? तुम्हारी बेटी ने जैन अली को फंसाया तो बहुत जल्दी था, लेकिन निभाने का वक्त आया तो घर छोड़कर ही भाग गई। मेरी बेटी के लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो नूरजहां, तुम्हारी लड़की ने क्या किया। जैन अली पर शफक का हक था पहले, वो उसका बचपन का मंगेतर है, तहरीम ने उसके हक पे डाका डाला। पर मेरी बेटी का सर्फ देखो, कितने अच्छे तरीके से शादी की इजाजत दे दी। तुम लोग ठहरे छोटे लोग, तुमसे आला जर्फी की क्या तवक्को की जा सकती है। खुदा का खौफ करो नूरजहां, खुदा का खौफ करो। और जब तुमने अपनी यतीम भतीजी के हक पे डाका डाला तब तुम्हें खुदा याद नहीं आया। मत भूलो नूरजहां कि जैन की मर्जी शामिल थी इस शादी में, बंदूक के जोर पे शादी नहीं करवाई हमने। हाँ लेकिन तुम अपनी बेटी को समझा तो सकती थी ना, उल्टा तुमने उसे शह दी। भाई तुम्हें तो नौलखे का लालच ही मार गया। नौलखे का लालच मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें है। ये नौलखा ही है जिसकी वजह से शफक का दूसरी बीवी बनना भी तुम्हें काबिले कबूल है। बेटी की जिंदगी से खेल रही हो तुम नूरजहां। अरे तुम अपनी बेटी की फिक्र करो, मेरी शफक की फिक्र छोड़ो। अगर आज तुमने तहरीम की तरबियत की होती, उसे तमीज तहजीब सिखाई होती कि घर किस तरह चलाए जाते, तो ये नौबत ना आती। मेरी तहरीम को सब पता है, नहीं पता तो तुम जैसे मुनाफिक लोगों से कैसे बचा जा सकता है, सिर्फ ये नहीं जानते। अरे एक वारिस तो दे नहीं सकी वो इतने दिनों में इस घर को, क्या बात कर रही हो तुम। Thank you.
माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बस सिर्फ एक कमी है, हमारे गले में नौलखा नहीं है। मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे मेहमानों को देखती हूँ।
जैनरी की शादी मुझसे हो रही है। यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी शफक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। इस वक्त वो आपने हमें अंधेरे में रखा भाई साहब। अरे भाई नूर जा, मेरी तरफ से तुम दिल बुरा मत कर। कैसे दिल बुरा ना कर? अरे अकबर अली का तो खून सफेद हो गया है, यानी मुझ तक से छुपाया गया निकाह। ओहो भाई भाई रो मत, देखो कैसे ना रो, क्या कसूर था मेरी बच्ची का भाई साहब। अगर आप मुझे वक्त पे बता देते तो कम से कम जाके मैं ये निकाह तो रुकवा देते। अरे मुमताज यकीन जानो, इन दोनों ने इतना राज में रखा है कि मुझे भी निकाह से 2 घंटे पहले बताया गया कि निकाह में शिरकत कर ले। अब ये तो हैसियत है मेरी उस घर में। देखो रो मत, रोने से क्या होगा, और तुम देखना अकबर अली का क्या हशर होता है, यानी वो तो बिल्कुल नूरजहां की तरह अंधा हो गया है। काश मुझे जरा सा भी पता होता नहीं जहर अली इस कदर का बुजदिल।
मैं कभी भी तहरीन किससे शादी ना करती। हाँ मगर उसे औलाद ना होने के ताने तो नूरजहां ही दे रही है ना। नूरजहां की अपनी भी बेटी है। मैं देखती हूँ, मैं देखूंगी जैन अली के साथ वो कैसे बसेगी। दोनों माँ बेटियां रोएंगी जैसे मेरी बच्ची को रुलाया। छोड़ो छोड़ो इन सारी बातों को। अच्छा एक बात बताओ, नौलखा तो तुम्हें मिल गया है ना? आज बहुत दिनों बाद बड़े सुकून की नींद आई मुझे। वाकई नूरजहां, बच्चों की खुशियों से ज्यादा माँ बाप किसी में सुकून मिल सकता है। बहुत मेहनत की है मैंने इन दोनों पर, लेकिन आज लगा कि जैसे मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। अरे भाई देखो तो, तुम्हारी मियाँ की प्लेट खाली पड़ी है, कोई नाश्ता वाश्ता बनवाओ उसके लिए। नहीं बड़ी अम्मी, मैं सिर्फ चाय लूंगा। सैफ मुझे चाय डाल दें प्लीज। और तुम भी तो कुछ खाओ, जैन को तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता, क्या तुम्हें भी जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा? भूख नहीं अम्मी। देखा शर्मा रही है तुम्हारी बीवी। जी देख रहा हूँ मैं। कि तुम लोग कुछ दिन के लिए घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते? वो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसा करो, नाश्ते के बाद मैं स्टडी में होऊंगा, अगर मेरे पास आ जाना, कोई जरूरी बात करनी तुमसे। जी बेटा, मुझे एहसास है कि शायद तुमको मुझसे बड़े गिले होंगे और तुम मुझे दुनिया के जालिम तरीन बाप में से एक समझते होगे। ऐसा नहीं है बाबा, शादी के लिए मैंने खुद ही तो हामी भरी थी। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें डांटा करता था तो तुम कहते थे कि ये डांट तुमने खुशी से खाई है, लेकिन उस वक्त तुम छोटे थे। अब बड़े होने के बाद तुम्हारा झूठ फौरन महसूस हो जाता है। बाबा शादी तो मैंने कर ली है और इसको मुझे पूरी तरह से निभाना भी है, ये मुझे पता है, लेकिन शफक को जहनी तौर से कबूल करने में मुझे कुछ वक्त तो चाहिए ना। हाँ मुझे अंदाजा है, इन चीजों में कुछ वक्त तो लगता है। और मैं तहरीम को भी भूल नहीं सकता। तो क्या हम में से किसी ने शर्त रखी है? नहीं ना। देखो बेटा, शफक बहुत अच्छी लड़की है, वो मुखलिस है, रिश्तों का एहसास रखती है। शायद तुम पर पहले ये खूबियां उसकी ना खुली हों, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे दुख सुख की साथी है। तुम उसका जितना ख्याल करोगे वो उतनी ही तुम्हारी फर्मा बरदार होगी। उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, वो तहरीम की तरह नहीं है। और बेटा मुझे यकीन है कि चंद सालों के बाद तुम यही मेरे सामने बैठकर अपने आप को दुनिया के खुशकिस्मत मर्दों में से समझोगे। लेकिन बाबा मैं अभी शफा को कहीं लेके जाना नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं। बेटा तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन शफा के दिल में तो अभी बहुत से ख्वाब जिंदा है जिन्हें पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। शफा भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहां लेकर जाऊंगा? बेटा ये सवाल अपने बाप से थोड़ी करते हैं, शफा से पूछो। Show some interest. गर्म शॉल्स रख ली है मैंने, हो सकता है रात को मरी में ठंड हो जाए। गर्मियों में जा रही हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्दी नहीं है वहां। आपके भी कुछ गर्म कपड़े रख लूं? नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूं।
खफा हैं आप मुझसे? नहीं। शुक्र है, ना मुझे तो लगा था कि मेरा ट्रिप ही खराब हो जाएगा। भाई साहब से बात की तुमने? मम्मी वो नूरजहां चाची और चाचा जान बाबा को किसी खाते में ही कहां लेते जो वो उनसे बात करते। मुझे तो जैन अली पे हैरत हो रही है, कितने मजे से वो निकल गया उसके साथ। वैसे हद कर दी जैन अली ने, कमाल की बात है भाई। या तो शफक को देखना पसंद नहीं करता था, नफरत थी उससे, और कहा कि अब शादी कर बेटा और घूमने लेके चला गया। क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का, अजीब कमाश के लोग हैं। ठीक हूं मैं। झूठ मत बोलो, बिल्कुल खुश नहीं हो तुम। तुम एक बार बता दो आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या फैसला हो सकता है मेरा? कोई फैसला नहीं। क्यों, तुम कोई फैसला क्यों नहीं कर सकती? तुम कोई कांच की गुड़िया हो, जब दिल चाहा किसी का तुमसे खेल लिया और जब दिल चाहा कहीं उठा के रख दिया। मैं समझ नहीं आती उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। समझ आ रहा है पर यकीन नहीं आ रहा। तुम आखिर चाहती क्या हो तेरी? मैं हाथ पे हाथ ही रख के बैठ नहीं सकता, पहले ही नहीं बैठना चाहिए था। जो भी फैसला करना है तुम लोगों ने सोच समझ कर करना। जैन, कॉफी बनवाई आपके लिए। थैंक यू। कितना खूबसूरत है ना इस्लामाबाद। पता है जैन, मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था कि कभी यहाँ आऊंगी आपके साथ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहां तुम्हारे साथ इस तरह से आऊंगा। यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई जलावे इश्क बुझावे आमियां इश्क जलावे इश्क बु...
बुझावे इश्क ही सारा भेद रचावे यार डाढ़ी इश्क आतिश आपसे रिश्ता है प्यार का।